हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिता एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है आई वांट, जो कि क्लास 2 इंग्लिश का है, मैरीगोल्ड बुक से है और ये एनसीईआरटी सिलेबस से है। तो इस वीडियो में हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का वो हिंदी में देखेंगे, प्लस जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैं आपको बताते चलूँगी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। चलो तो लेट्स स्टार्ट। आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है? मुझे चाहिए। आप सभी को पता है, आप सब लोगों की बहुत डिमांड्स रहती होंगी घर में अपने मम्मी पापा के सामने, है ना, ज़रूरत होती है हमारी, कोई ना कोई इच्छा होती है, डिज़ायर जिसे बोल सकते हो। सो यहाँ पे आई वॉन्ट करके एक स्टोरी है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं फोटो में एक मंकी है, तो इस मंकी की एक डिज़ायर है, देखते हैं क्या है। आई वॉन्ट टू बी बिग, सेज लिटिल मंकी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग। तो ये जो मंकी है ये क्या चाहता है? वो बोलता है कि भाई मुझे बिग होना है, बिग मतलब बड़ा होना है। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग, और मुझे स्ट्रांग भी बनना है। स्ट्रांग का मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लाइक हिम्मत वाला होना है, मैं लड़ाई कर सकूँ, कोई मेरे को डरा नहीं सके, इस तरह से वो चाहता है। सो अ वाइस वुमन हियर्स हिम, तो इसकी ये बात, एक बहुत ही वाइस वुमन, वाइस का मतलब बहुत ही बुद्धिशाली, जिसके पास दिमाग है, बहुत चतुराई से अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, एक औरत उसकी बात को सुनती है। टेक दिस मैजिक वैंड, और वो उसको क्या बोलती है, मेरे पास ये मैजिक वैंड है। मैजिक वैंड मीन्स ये जो जादुई छड़ी दिख रही है ना इसके हाथ में, इसको हम बोलते हैं मैजिक वैंड। तो वो बोलती है इस मैजिक वैंड को मुझसे ले लो, शी सेज एंड ऑल योर विशेज कैन कम ट्रू। और उसको क्या बोलती है, तुम मुझसे ये मैजिक वैंड को ले लो और तुम्हारी जितनी भी विशेज हैं, यानी जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो पूरी की पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अ जिराफ कम्स बाय, इतने में क्या होता है, एक जिराफ आता है, ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, और जैसे ही जिराफ आता है, तो जिराफ का तो आपको पता होगा कि उसकी जो नेक है, यानी उसकी उसकी जो गर्दन होती है वो कितनी लंबी होती है, राइट, तो वो अपनी लंबी सी गर्दन को स्ट्रेच करता है, यानी खींचता है। ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, और अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल कर वो क्या करता है, ट्री के एकदम ऊपर, टॉप पर मतलब एकदम ऊपर जो मीठी मीठी पत्तियाँ लगी होती हैं उसको वो खाता है, राइट। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, सेज लिटिल मंकी पॉप, और जैसे ही ये छोटा सा मंकी उस जिराफ को देखता है कि भाई किस तरह से वो अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल कर उन पत्तियों को खा रहा है एकदम ऊपर तक, तो बोलता है मुझे भी ऐसी लंबी सी गर्दन चाहिए। ठीक है, और अपने उस मैजिक वैंड से वो ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हिज नेक ग्रोज लॉन्ग, और जैसे ही वो ऐसा बोलता है उसकी जो नेक है वो एकदम लंबी हो जाती है। यहाँ पर आप देखो फोटो में, हो गई ना इसकी गर्दन लंबी सी, जस्ट लाइक द जिराफ्स, और किसकी जैसी होती है, एकदम जिराफ के जैसी लंबी हो जाती है। लिटिल मंकी इज हैप्पी, अब ये बात देखकर, ये चीज़ जैसे ही उसके साथ होती है, मंकी बड़ा खुश हो जाता है, हैप्पी का मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, अब इतने में क्या होता है, एक एलिफेंट आता है, एलिफेंट आप सभी को पता होगा, हाथी, हाथी आता है कहाँ पे, रिवर, रिवर मतलब नदी के पास। ही फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर, अब आप सभी को पता है कि एलिफेंट के पास उसकी ट्रंक होती है, ट्रंक का मतलब उसकी सूंड होती है जिससे वो पानी पीता है ना, तो वो अपनी ट्रंक से पानी भरता है उस रिवर में से। ओके, ही ब्लोस इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, और उस ट्रंक में भरकर पानी जो है वो अपने ऊपर ब्लो करता है, ब्लो मतलब अपने ऊपर छिड़कता है। आई वॉन्ट टू डू दैट टू, अब ये देखकर मंकी जो होता है वो बोलता है मुझे ये भी करना है, मुझे हाथी के जैसा ही एकदम सूंड चाहिए। सेज लिटिल मंकी बैंग, और ऐसी वो अब विश करता है। ओके, जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ टंक, अब जैसे ही वो अपनी ये विश करता है उसकी हाथी की जैसी एक लंबी सी ट्रंक हो जाती है। यहाँ अगेन आप पिक्चर में देख सकते हो, ही इज वेरी हैप्पी, अब जैसे ये चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दिस इज़ फन, और उसको इस चीज़ में मज़ा आने लगता है। ही सेज, वो क्या बोलता है खुद से, वाह क्या मज़ेदार, मेरे हाथ में तो छड़ी लग गई है भाई, मज़ा आ रहा है, जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ हो रही है। नेक्स्ट, लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा, अब जो छोटा सा मंकी है वो क्या देख रहा है, एक ज़ेब्रा देख रहा है। ज़ेब्रा आपको पता होगा कौन से कलर का होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो जैसे ही वो ज़ेब्रा को देखता है, आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, ही सेज विज,
और वो उसको देख के बोलता है कि मुझे जेब्रा के जैसे स्ट्राइप्स चाहिए उसके शरीर पर, जिस तरह की पट्टियाँ होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। वो बोलता है लिटिल मंकी हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। और जैसे ही लिटिल मंकी ये अपनी विश करता है, उसकी पूरी बॉडी पे जेब्रा के जैसे एकदम स्ट्राइप्स आ जाते हैं। ओके, किसके जैसे? जस्ट लाइक जेब्रा। He is very very happy। अब वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। Very very मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। He goes to the river to try out his new trunk। अब वो वापस river के पास जाता है अपना एक trunk का इस्तेमाल करने के लिए कि चलो भाई हाथी जिस तरह से अपने trunk से पानी पीता है एक बार कोशिश तो करें। He looks down और इस तरह से वो नीचे देखता है। He sees himself in the water और जैसे ही वो अपने आप को पानी में देखता है, Mother, he cries, help, a monster। और जैसे ही वो अपने आप को नदी के पानी में देखता है, वो चिल्ला पड़ता है। क्या चिल्ला पड़ता है? अरे ये कौन राक्षस आ गया? मॉन्स्टर मतलब राक्षस। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, सेज हिज मदर। और ये देख के उसकी जो मदर बोलती है भाई कोई मॉन्स्टर नहीं है, दैट्स यू। कोई भी राक्षस नहीं आया है, ये तुम ही हो। यू वॉन्ट अ जिराफ्स नेक, तुमको एक जिराफ की नेक चाहिए थी। एन एलिफेंट्स ट्रंक, तुमको एक एलिफेंट की ट्रंक चाहिए थी। एंड स्ट्राइप्स लाइक जेब्रा, और जेब्रा की जैसे तुमको स्ट्रेप्स चाहिए थी। डोंट यू रिमेम्बर, तुम भूल गए क्या तुमने क्या क्या विश मांगी थी? लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, बेचारा मंकी रोता रहता है। आई लुक ऑफुल, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कितना गंदा लग रहा हूँ। ऑफुल मतलब मैं कितना बुरा लग रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, और वह ऐसे बोलता है कि मुझे मैं ही चाहिए, मतलब मेरे को और कोई नहीं होना है, मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ, मैं जैसा था मैं बस वैसा ही हो जाऊँ। There is a pop, a bang, and a whiz. Little monkey is himself again. और जैसे ही वो सारी चीज़ें बोलता है, वापस से वो little monkey अपना जो उसका actual रूप था, जो कि हमने first picture में देखा था, वैसे के वैसे हो जाता है। He jumps for joy. और जैसे ही वो अपने आप को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जंप मारने लगता है। वाओ मैं कितना अच्छा हूँ, वापस मैं वैसा का वैसा ही हो गया हूँ, ठीक है। He throws the magic wand into the river. और वो क्या करता है, उस मैजिक जो वैंड है यानी कि जो जादुई छड़ी है, उसको एकदम रिवर में फेंक देता है, नदी में। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स अगेन, और वापस से वो कभी इच्छा ही नहीं करता कि भाई मेरे को कोई और बनना ही नहीं है, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। सो इन शॉर्ट, इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन दूसरे के जैसा कभी भी बनने की कोशिश ना करो। ओके, नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स ऑल्सो हियर। स्ट्रॉन्ग, तो जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बताया, स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, हिम्मत वाला होता है। वैंड, वैंड का मतलब यहाँ पे हो गई वो जो छड़ी है, जादुई छड़ी। विशेस, विशेस मतलब आपकी जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होते हैं। ब्लोज, तो यहाँ पे ब्लोज का मतलब एकदम से जैसे आप हवा मार दो, फूंक मारो। यहाँ पे ये ब्लो का मतलब क्या हुआ, वो जो ट्रंक से उसने अपने ऊपर जो पानी छिड़का था, तो यहाँ पे ब्लो का मतलब वो हुआ। ओके, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। एंड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर में देख लिया है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को स्टोरी सुनने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे अभी लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।